ला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। इस वीडियो का टाइटल है ईद का पहला दिन। अभी मम्मा ने यखनी चढ़ाई है पुलाव की, क्योंकि हम ईद में पुलाव और कबाब बनाते हैं, और ये कबाब का मसाला चढ़ाया हुआ है मम्मा ने कुकर में, और सिवैयाँ हैं। ये अभी हम लोग वो बनाएंगे छी खोरमा। ये अभी मम्मा ने सिवैयाँ इसमें डाल दी हैं, और अभी इसमें दूध डालेंगे, बटर डालेंगे और चीज़ें डलती हैं इसमें। और हम हर ईद में पुलाव और कबाब और शीख कौरमा बनाते हैं, और अभी मम्मा ने कबाब बनाना स्टार्ट कर दिया है, और टाइम बहुत कम था तो इसलिए मम्मा ने रात को ही बनाना स्टार्ट कर दिए थे, जाके वो सुबह फ्राई कर लें। सो सुबह भी इतना टाइम नहीं होता, नमाज़ पढ़ के आते हैं, फिर चाचा मामू भी आ जाते हैं, तो जल्दी जल्दी से करना पड़ता है सब चीज़ें। सो अब सुबह भी हो गई है, अजान का भी टाइम होने वाला है, सब जल्दी जल्दी से रेडी हो रहे हैं जाके वो नमाज। सबको ईद मुबारक, हम जा रहे हैं मस्जिद। और अभी बिलाजहा नमाज पढ़ने जा रहे, मैं घर में ही थी और बस मम्मा पापा बिलाजहारा ही गए थे नमाज पढ़ने के लिए, और शाह चाचू खुद अब्दुल्ला ही आए थे। बुश चाची घर में थी, आमना और बुश चाची और मैं घर में थे, हम तीनों। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। अभी शाह चाचू जाएंगे उनको चाचू मामू को लेने, और पापा मम्मा घर आ जाएंगे, कि मम्मा को प्रिपेयरिंग करनी है जल्दी से, वो क्योंकि फिर टाइम ही नहीं मिलेगा उनको करने का। टाइम इतनी जल्दी से गुजरता है और पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। अभी मैं आपको इस मस्जिद की अजान सुनाती हूँ। मैंने रात को बना के रख दिए थे, तो अभी बस मम्मा फ्राई कर रही हैं, अभी जल्दी से बनने वाले हैं, और हमारे कबाब बन गए अभी, और मम्मा बना रही हैं, और ये पुलाव भी बन गया है, और फ्राइज़ भी मम्मा भी फ्राई कर रही हैं। बच्चे शौक से खाते हैं तो उन्होंने फ्राई कर लिए थे, और चाची मामा वो भी घर आ गए हैं, बातें कर रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, और दस्तरखान भी अभी लगा रहे हैं हम लोग आहिस्ता आहिस्ता। और ये मम्मा ने फ्राई कर लिए सारे फ्राइज़, और सबको तो बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, नींद भी इतनी आ रही थी क्योंकि हम सोए ही नहीं, और हम शॉपिंग करके आए थे, और हम टाइम ही इतना गुजर गया था, सोने का टाइम ही नहीं मिला, फिर अजान का टाइम होने वाला था तो जल्दी जल्दी से हम तैयार होने गए थे। और ये शीर खोरमा भी अभी मम्मा ने बना दिया है, और पुलाव भी मम्मा डिश में निकाल रही हैं, और माशाल्लाह से पुलाव भी बहुत अच्छा बनाया था, मामा चाचू को तो पसंद आया था पुलाव। और ये हमारा दस्तरखान लग गया है, और हमने इसमें सारी डिशेस अपनी रख दी हैं, सबको बहुत माशाल्लाह से पसंद आया खाना, और बहुत तारीफ़ कर रहे थे माशाल्लाह से, और वो सबको बहुत ही अच्छा लगा खाना, कबाब पुलाव और शीख खोरमा, चिप्स हमने नहीं बनाई तो फ्राई करी थी। और अभी चाची मामू ईदी दे रहे हैं सब लोगों को, चाची को और मम्मा पापा को, मतलब हमें। और ये 10 KD है कुवैत के, ये इन्होंने हमें दिए, बुश चाची को भी यही दिए और हमें भी यही दिए, और अभी वो जा रहे हैं, टाइम हो गया है तो अभी जा रहे हैं वापस, तो अभी पापा उनको ड्रॉप करने जा रहे हैं उनके घर। अगर आपको मेरी डेकोरेशन की चीज़ें देखनी है, हमने कैसे घर का मतलब सफाई करी, डेकोरेट करा, तो आपने मेरी चांद रात ब्लॉग में जाके वो देखना है अगर आपने नहीं देखा है।
और जो चाचू मामू दसना दिया था वो मम्मा उसको डिवाइड करके सबको दे रही हैं। अभी मैं अपने पर्स में रखूँगी, 2 दिनार हैं और मैंने अपने पर्स में रख दिया है। अभी पापा और शानी चाचू देंगे और बुश चाची भी देती हैं, तो उनके रहते हैं पैसे, वो बाद में देंगी। अभी सब सो रहे हैं, बहुत थक गए हैं हम लोग, तो अभी सोने का टाइम हो गया था तो अभी हम सो रहे हैं। पूरे 10 बजे हम बारीक हुए थे तब सो। आज हम बहुत थके क्योंकि हम शॉपिंग करके आए थे 3 o'clock, क्योंकि यहाँ पर चाना तो 3 o'clock खुला होता है हर चीज़, पार्लर एनीथिंग। सो हम बहुत थक गए थे, फिर उसके बाद हम सोने का टाइम ही नहीं मिला, फिर हमने कपड़े प्रेस करे, फिर उसके बाद अजान होने का टाइम हो गया था, सब नहाने गए, फिर उसके बाद हम नमाज़ पढ़ने गए, फिर चाचू मामू आए, फिर हम दोनों ने खाना सर्व करा और वो अभी चले गए हैं, बाबा उनको छोड़ने गए हैं, ड्रॉप करने गए हैं उनके घर पर। सो अभी हम थोड़ी देर सोएंगे, बहुत थक गए हैं हम लोग और हम सोए भी नहीं हैं। वैसे हम 2 hours सो जाते थे रात में लेकिन टाइम ही नहीं मिला सोने का, तो अभी हम सोएंगे थोड़ी देर, फिर मैं आपको उठ के बताती हूँ फिर हम क्या करेंगे और आपको मैं आज अपनी पूरी जर्नी शेयर करूँगी ईद की, और मैं आपको मिलूँगी सोने के बाद। सो बाय बाय। सो वेलकम बैक, और मैं सो के उठ गई हूँ और हमने खाना भी खा लिया है, अब हमारा दिल जा रहा है डेजर्ट खाने का। सो अभी हम जा रहे हैं बास्किन रॉबिंस, और हम फर्स्ट ईद में इतना ज़्यादा नहीं घूमते हैं, सो बस अभी हम लोग बास्किन रॉबिंस खाएंगे, बच्चों को थोड़ी पार्क में ले जाएंगे, फिर घर आ जाएंगे वापस। और सेकेंड ईद और थर्ड ईद में हम लोग इतना घूमते हैं, हम ज़्यादा घूमते हैं सेकेंड और थर्ड ईद में, फर्स्ट ईद में हम इतना नहीं घूमते, बस राउंड लेके आ जाते हैं थोड़ा सा। सो चलते हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो चलो चलते हैं। सो अभी हम जा रहे हैं बास्किन रॉबिंस, ये है दाया, और यहाँ पर मार्केट भी है और यहाँ पर पार्क भी छोटा सा बना हुआ है, अगर आप मार्केट जाते हो बच्चों के यहाँ पर छोड़ के आप चले जा सकते हो। और यहाँ पर बास्किन रॉबिंस है, कैंस है, हार्डिस है और KFC है, हर चीज़ है यहाँ पर। ओनली 4 रेस्टोरेंट्स हैं, बैंक्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें दाइया में। तो अभी हम लोग दाइया आए हैं और अभी हम थोड़ी देर राइड लेंगे, और ये रहा बास्किन रॉबिंस, और अभी हम लेने जा रहे हैं आइसक्रीम एंड मिल्क शेक। और आप देख सकते हैं इसके इतने सारे मतलब आइटम्स होते हैं, वो भी इतने टेस्टी, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है बास्किन रॉबिंस, और मुझे कोई मिल्क शेक नहीं अच्छा लगता, 80 times बस मैं पी लेती हूँ, उतना पसंद नहीं है। इसका मिल्क शेक आप पियोगे आपको इतना टेस्टी लगेगा, आप लोग सब 80 times ये चीज़ें सब भूल जाओगे अगर आप कोविड पे हो। अगर बाकी कंट्रीज पर अलग अलग होती है मतलब मिल्क शेक्स की शॉप्स, तो यहाँ पर तो बास्किन रॉबिंस है और बहुत सारे 2 ही हैं आई थिंक, यहाँ पर 3 मिल्क शेक्स की रेस्टोरेंट हैं और भी होंगे लेकिन पता नहीं, मैंने उसमें से 3 ही पिए हैं। सो यहाँ पर टॉपिक्स भी है और आप लार्ज भी ले सकते हो, यहाँ पर आइस केक्स हैं, मतलब ये आइसक्रीम वाले केक्स होते हैं, उसको हम फ्रिज में रखते हैं बस, और ब्लाल कैंडी वाली आइसक्रीम ऑर्डर करिए, कॉटन कैंडी, ये भी बहुत टेस्टी होती है। और मम्मा ने चीज़ केक बोला है विद नट्स, आप टॉपिंग्स भी दिलवा सकते हो। और ये रहा मेरे यम्मी सा मिल्क शेक, मैंने ओरियो मिल्क शेक ऑर्डर करा था विद कैरेमल एंड बटर स्कॉच, और इतना यम्मी था, आप ही ज़रूर ये वाला ट्राई करना, और ये बहुत ही यम्मी था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।